बिजनौर का साधारण परिवार का एक लड़का जिसे वकालत विरासत में मिली थी। पिता वकील थे, फिर परिवार ने वकालत का ऐसा जामा पहना कि बिजनौर से निकलकर प्रयागराज और फिर दिल्ली पहुंच गए। साधारण से इस लड़के की प्रतिभा यहां से जानिए कि उसने अपने कालखंड की लौह प्रधानमंत्री को घुटनों पर ला दिया था। अपने जीवन काल में आंदोलन से दो बड़े नेता निकाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ तो नए मुकाम और सत्ताधीशों से सीधे मुकाबला किया, आजाद भारत में इमरजेंसी का कारण बना। वो साधारण परिवार का लड़का इतना लड़ाका निकला कि नाम भले ही शांति भूषण था लेकिन सरकारों के लिए हमेशा तूफान लाने वाला रहा, जिसका मंगलवार को निधन हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ वकील शांति भूषण की, जो 97 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनकी तारीफ देश के महान वकीलों में शामिल राम जेठ मलानी तक किया करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण शांति भूषण थे, जिनके तर्क इतने बली थे कि हाई कोर्ट ने श्रीमती गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने तत्काल देश में इमरजेंसी थोप दी थी। शांति भूषण का जन्म यूपी के बिजनौर में हुआ था। पिता बिजनौर की अदालत में वकालत किया करते थे, बाद में वो प्रयागराज हाई कोर्ट और फिर दिल्ली जाकर बस गए। बिजनौर के जटान मोहल्ले में आज भी उनका पैतृक आवास मौजूद है। शांति भूषण भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ चिर विरोधी व्यक्तित्व के स्वामी थे, कानून के गहरे जानकार और भ्रष्टाचार के घोर विरोधी। शांति भूषण की इसी भ्रष्टाचार की मुहिम का असर ये था कि अपने जीवन काल में आंदोलन से कई नेताओं का जन्म होने के साक्षी बने। पहले 1975 में राजनारायण और 2013 में अरविंद केजरीवाल। शांति भूषण का नाम पहली बार पिछली शताब्दी 7वीं दशक में देश ने जाना था, जब 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में पहले कांग्रेस के दो टुकड़े हो चुके थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को लोकसभा की 545 सीटों में से 352 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विरोधी गुट वाली कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिली थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को मात दी थी, लेकिन राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। इस केस में राजनारायण की पैरवी शांति भूषण ने की थी। उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरवी की थी। उनकी दमदार दलीलों का कारण था कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यही मुकदमा देश की आपातकाल का सबसे बड़ा कारण बना। इस केस को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से दुनिया जानती है। राजनारायण द्वारा कुल 7 आरोप इंदिरा गांधी के खिलाफ लगाए गए थे। देश में यह पहला मौका था जब किसी केस में प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश होने को मजबूर हुई थी। इंदिरा गांधी को अपने ऊपर लगे आरोपों का घंटों तक कोर्ट में जवाब देना पड़ा था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने 7 में से 5 आरोपों में इंदिरा गांधी को राहत दे दी, लेकिन 2 मुद्दों पर इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनके खिलाफ राजनारायण की ओर से शांति भूषण ने पक्ष रखा। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश दे दिया। फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी सदन की कार्रवाई में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में रैली की थी। इस रैली के बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया था। आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद कानून मंत्री बनाया गया।
वे राज्यसभा सांसद बने और 1977 से 1979 तक कानून मंत्री रहे। शांति भूषण साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसे आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है और केंद्र में उसकी सरकार है। लेकिन 1986 में जब बीजेपी ने एक चुनाव याचिका पर उनकी सलाह नहीं मानी तो वो रुष्ट हो गए और उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। 1980 के दशक में शांति भूषण का एक और रूप देखने को मिला। ये रूप था एक्टिविस्ट का। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL का संस्थापकों की कतार में सबसे आगे शांति भूषण खड़े हुए थे। इसके बाद अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन में भी शांति भूषण बेहद सक्रिय दिखे। उम्र उनकी 90 साल के करीब थी, लेकिन उनकी एक्टिविटी देखकर कोई ये उनका उम्र का कोई पता तक नहीं लगा पा रहा था। शांति भूषण ने ही लोकपाल का पूरा मसौदा ड्राफ्ट किया था। आंदोलन के बाद जब बात राजनीतिक दल बनाने की आई तो शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल को सलाह और हौसला दिया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को 1 करोड़ रुपए नकद भी दिए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार से भी उनका मोह भंग हो गया था। शांति भूषण की कानून की बारीकियों की समझ से उनकी सभी वकील दाद दिया करते थे। दिवंगत और मशहूर अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कई मौकों पर भ्रष्टाचार की मुहिम में न सिर्फ उनका साथ दिया था बल्कि उन्हें खुद से बेहतर अधिवक्ता तक बताते थे। फर्जी CD, अदालत की अवमानना जैसे कई मामलों में जेठमलानी ने उनका खुलकर समर्थन किया था। शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।